जब यजीद इमाम हुसैन अलैहि सलाम को कत्ल करना चाहता था तो इमाम हुसैन अलैहि सलाम अल्लाह के घर पनाह लेने के लिए खाना काबा की तरफ रवाना हुए। इस बात का इलम जब मदीने वालों को हुआ तो मदीने में एक ज़ईफ सहाबी हज़रत अनस इब्ने हारिस चीख कर कहने लगे, ऐ लोगो, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि आपने फरमाया, जब भी मेरे हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो हुसैन का साथ देना, क्योंकि हुसैन का साथ देना रसूल का साथ देने के बराबर है। आपकी कमर झुकी हुई, आंखों से नज़र नहीं आता, दौड़ते हुए इमाम हुसैन के काफ़िले में शरीक होते हैं, और फिर जब यजीद ने मक्का में आपको कत्ल करना चाहा तो आप इमाम हुसैन के काफ़िले के साथ करबला तक आ पहुँचते हैं, और रोज़े आशूर जब इमाम हुसैन के साथी आपके कदमों पे कुर्बान हो रहे थे तो आप एक नेज़ा हाथ में लिए जनाबे अब्बास के पास आते हैं और कहते हैं, ऐ शहंशाह वफा, इस नेज़े को मेरी पीठ से बांध दे ताकि मेरी कमर सीधी हो सके और मैं भी फर्जंदे रसूल के कदमों पे कुर्बान हो जाऊं। और यूं कमर को सीधी करके इमाम हुसैन के कदमों को चूम के इमाम हुसैन से फरमाते हैं, ऐ रसूल अल्लाह के फर्जंद, अब इस ज़ईफ़ सहाबी को भी इजाज़त दीजिए कि वो आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। इमाम हुसैन से इजाज़त लेके जब फौज यजीद के सामने रसूलुल्लाह का सहाबी आया तो कहने लगा, अल्लाह गवाह है, मैंने अपने कानों से सुना कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अनकरीब एक वक्त आएगा जब मेरा गरीब नवासा हुसैन करबला में तन्हा हो जाएगा, उस वक्त इस मेरे हुसैन का साथ देना। ऐ लोगो, इस हदीस का मैं गवाह हूँ, ये वही हुसैन है जिसको रसूल अल्लाह कंधे पे उठाया करते थे, लबों को चूमा करते थे, हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन हर एक को सुनाया करते थे। ऐ लोगो, दुनिया के बदले अपनी आखरत को तबाह ना करो। इतने में फौज यजीद कहने लगी, क्या देख रहे हो, हम यहाँ इस बूढ़े की बातें सुनने नहीं बल्कि हुसैन को कत्ल करने आए हैं। एक एक सिपाही उस रसूल अल्लाह के सहाबी के सामने आता गया और फिर नार होता गया। तारीख ने लिखा, उस रसूल अल्लाह के बूढ़े सहाबी को चारों तरफ से घेरा गया और एक साथ वार करके जमीन करबला पे गिराया गया। आप आखिरी दम तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजाइल दुनिया को बताते रहे और अल्लाह के रसूल से मुखातिब होकर कहते रहे, या रसूल अल्लाह, आप गवाह रहना कि आपके इस बूढ़े सहाबी ने आखिरी दम तक आपके नवासे हुसैन की नुसरत की, इनके फजाइल हर एक को बताता रहा। सलाम हो रसूल अल्लाह के सहाबी करबला के शहीद अनस इब्ने हारिस पर, सलाम हो रसूल अल्लाह के नवासे हुसैन इब्ने अली पर, हुसैन इब्ने अली पर, हुसैन इब्ने अली पर।